जिला ऊना में सितंबर महीना शुरू होते ही किसानों ने आलू की बिजाई शुरू कर दी है। मौसम साफ होते ही किसान अपने ट्रैक्टर लेकर खेतों में पहुंच गए हैं। ट्रैक्टर से खेत को जोतकर समतल करने के बाद आलू की बिजाई की जा रही है। आलू की बिजाई कर रहे किसान ने बताया कि इस साल आलू के बीज की कीमत थोड़ी ज्यादा है, जिसके तहत 2400 रुपए प्रति क्विंटल आलू का बीज खरीद कर बिजाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि करीब 1000 कनाल भूमि पर आलू की बिजाई की जा रही है। इसके लिए उन्होंने 3 ट्रैक्टर और 15 मजदूर लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौसम ने साथ दिया तो आलू की फसल अच्छी होगी। की बार हम कर रहे कोई 1000 कनाल में। 1000 कनाल में कितना बीज लगाया जा रहा है इसमें? 1000 कनाल में लग जाएगा सर कोई 2-2500 कट्टा। 2500 कट्टा कितने कीमत आई इसकी? इसकी एक कट्टे की वह की है कोई 1200। कितनी इसका क्या निकल जाएगा, वो कीमत निकल जाएगी इसकी? कीमत तो सर निकलेगी मौसम के अनुसार। मौसम ठीक है तो सब कुछ देगा। और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, आलू की फसल बीज रहे हैं तो क्या है? नहीं, आलू की फसल बहुत अच्छी है, बढ़िया अच्छी है। ये सीजनल आलू की फसल चल रही है? हाँ जी, हाँ जी, सीजन कच्ची फसल कहते हैं। कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं आपके साथ अभी? हमारे साथ 2 ट्रैक्टर के साथ कोई है, समझ लो 15-16 मजदूर। 15-16 हाँ। और 3 ट्रैक्टर लगे हैं? 3 ट्रैक्टर लगे हैं। ये कितने दिन लगेंगे आपको यहाँ पर? हमारा कोई 1000 कनाल में लग जाएगा कोई लगभग कोई अपना 20-25 रोज। ये कितने समय में तैयार हो जाएगी फसल? ये सर 2 महीने में, 60-65 दिन में तैयार हो जाता है। 60-65 दिन में? 60-65 दिन में तैयार हो। बता दें कि ऊना जिले में बड़े स्तर पर आलू की बिजाई की जाती है। फसल तैयार होने पर हिमाचल प्रदेश सहित देश भर के अलग अलग हिस्सों में यहाँ से आलू की सप्लाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से सुनिंदर शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।